आज हम बात करेंगे RIRS तकनीक की। RIRS मतलब रिट्रोग्रेड इंट्रा रीनल सर्जरी। यह तकनीक किडनी के और किडनी के रास्ते में जो पथरियां हैं उनके इलाज में काम आती है। जब यह निर्णय हो जाए कि ऑपरेशन की ज़रूरत है तब यह ऑपरेशन पूरी बेहोशी में किया जाता है। नॉर्मल पेशाब के रास्ते से करीब 2.5 से 3 मिलीमीटर की नरम मुड़ने वाली दूरबीन अंदर डाली जाती है और पथरी की लोकेशन पर पहुंचा जाता है। वहां पहुंचने के बाद लेज़र की सहायता से उस पथरी को बारीक कणों में तोड़ दिया जाता है। तोड़ने के पश्चात जो बारीक चूरा है उसको क्लियर किया जाता है। क्लियर करने के बाद कंप्लीट क्लियर हो गया ये कन्फर्म उसी टाइम ऑपरेशन के दौरान किया जाता है दूरबीन से और एक्सरे की मदद से। कंप्लीट क्लियरेंस के बाद में किडनी के रास्ते किडनी में एक स्टेंट रखा जाता है। ऑपरेशन में करीब अंदाजे से आधा से एक घंटा लगता है। करीब 4 घंटे बाद में हम मुंह से खाना पीना शुरू करवा पाते हैं और अस्पताल में करीब 24 घंटे का समय लगता है। सब कुछ ठीक है तो हम 24 घंटे बाद में छुट्टी कर पाते हैं। पहला फॉलोअप करीब 7 दिन बाद में रहता है और करीब अंदाजे से 14 दिन बाद अंदर रखी हुई स्टेंट नॉर्मल पेशाब के रास्ते से निकाल देते हैं। इस ऑपरेशन में दूसरे अभी तक अवेलेबल तकनीक्स के मुकाबले काफ़ी फायदे हैं। जैसा शरीर में कहीं कोई चीरा नहीं आता है, अस्पताल में कम रहना पड़ता है, ऑपरेशन के दौरान हमें क्लियर हो जाता है कि स्टोन पूरा निकल गया है और ऑपरेशन के मुकाबले दर्द की संभावना काफ़ी कम रहती है।